तो इस क्लास में हम लोग कैपिलरी राइज के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं वन ऑफ द कंसीक्वेंसेस ऑफ प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड लिक्विड एयर इंटरफेस इज द वेल नोन इफेक्ट दैट वाटर राइजेज अप इन अ नैरो ट्यूब इन स्पाइट ऑफ ग्रेविटी। इसको हम लोग कैपिलरी राइज कहते हैं। पीछे हम लोगों ने तमाम तरह के जो सवाल पूछे थे उनमें से एक सवाल ये था कि जब हम लैंप जलाते हैं तो मिट्टी का तेल नीचे है, तो वो मिट्टी का तेल दिए में ऊपर कैसे चला जाए, मतलब जो जो बत्ती होती है, जो विक होती है, उसमें ऊपर कैसे चला जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ कैपिलरी राइज, जब पतली पतली जो तागों के बीच में ऊपर चढ़ जाता है, तो उसी से मिलती जुलती चीजें। कह रहे हैं कि अगर मैं कोई ग्लास की पतली ट्यूब लूँ तो उसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है, इसको कैपिलरी राइज कहते हैं। तो कहते हैं द वर्ड कैपिला मीन्स हेयर इन लैटिन। इफ द ट्यूब वर हेयर थिन द राइज वुड बी वेरी लार्ज। टू सी दिस, चलो अब की ये कैपिलरी राइज कहाँ से हुआ, ये हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड पे आकर के पढ़ेंगे। तो मेरे पास पानी था जिसमें मैंने एक पतली सी ट्यूब डाली, ऑब्वियसली मैंने देखने में मोटी ट्यूब डाल दी है, लेकिन ये हेयर थिन ट्यूब है, ठीक है। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है, हम पाएंगे किसी वजह से इस ट्यूब के अंदर पानी ऐसे ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो पानी ऊपर चढ़ जा रहा है, तो उन्होंने दो बातें यहां पर कही। पहले कह रहे हैं कि अगर यहां का प्रेशर, पहले तो क्वालिटेटिव समझ लेते हैं और फिर नंबर बात कर लेंगे। यहां का प्रेशर अगर पी एटमोस्फियर है और यहां का प्रेशर पी एटमोस्फियर है, तो अगर मैं इस सरफेस को करीब करीब फ्लैट मानूं, यानी कि जो मैंने कर्वेचर दिखाया है, ये बड़े बर्तन होगा तो निग्लिजिबल होगा, तो यहां का प्रेशर भी सेम लॉजिक से पी एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मेरी कैपिलरी पानी में ग्लास जैसी है, यानी कि कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है ना, तो अगर यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है तो यहां का प्रेशर कुछ कम होगा, और जितना प्रेशर यहां घटा है उतना ही रोजिए और जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब प्रेशर वापस पी एटमॉस्फेयर आएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मान लो कैपिलरी राइज ना होता और मेरी कैपिलरी में ये इंटरफेस ऐसे बना होता, तो मेरा मैथमेटिकल गड़बड़ हो जाती। यहां पर प्रेशर पी एटमॉस्फियर होता और यहां पर पी लेस देन पी एटमॉस्फियर होता, तो दो सेम हाइट पे जब एक तरफ प्रेशर ज्यादा होता दूसरी तरफ प्रेशर या पी लेस देन पी एटमॉस्फियर होता, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो पी एटमॉस्फियर है, पर हमने भी एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि जब भी कोई कॉनकेव सरफेस होगी तो ऐसे सरफेस टेंशन के फोर्सेस लग रहे होंगे जिसकी वजह से यहां वाला प्रेशर ज्यादा होगा, यहां वाला प्रेशर कम होगा। तो यहां पे पी एटमॉस्फियर है तो यहां पे पी एटमॉस्फियर से कम है, तो यहां प्रेशर कम है यहां प्रेशर ज्यादा है, तो क्या होना चाहिए, लिक्विड को फ्लो करके यहां आ जाना चाहिए, जो कि करता है, इसीलिए पानी भर जाता है। और कब तक फ्लो होते रहना चाहिए, जब तक यहां का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर ना, ठीक है। हाँ, तो जो मेरा प्रेशर ड्रॉप सरफेस टेंशन की वजह से इंटरफेस क्रॉस करने से हुआ था, उतना ही प्रेशर राइज रो जीएच नीचे आने से हो जाए, तो यहां और यहां के प्रेशर पी एटमॉस्फेयर हो जाएंगे, जो कि यहां पे भी, ये एक सारा कंसेप्ट है। अब सवाल ये हुआ कि ये जो इंटरफेस है इस पे कितना प्रेशर ड्रॉप हुआ ये कैलकुलेट कर लें, तो उसको रोज एक से इक्वेट करके काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें समस्या क्या हुई कि एक्सेस प्रेशर 2F/R होता है, ठीक है ना, लेकिन R इस इंटरफेस का रेडियस है, ठीक है ना। अब मैं एक मिनट बुक में देख लूं कि इन्होंने किसको R कहा है, सही उसी को रहा ना। तो ये कह रहे हैं आर जो है, अगर मान लो यहां कहीं सेंटर लाई कर रहा है इंटरफेस का, तो उस इंटरफेस का रेडियस आर है। हाँ? और ये जो कैपिलरी है इसका रेडियस ए है, ठीक है, जो कि दो अलग अलग चीजें हैं। रेडियस ऑफ कैपिलरी ए है और रेडियस ऑफ इंटरफेस
आ है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। अब ये कहते हैं अगर हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाएं तो ये जो एंगल है, ऐसी लाइन खींच दें, ये तुम्हारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है थीटा। हमने पीछे निकाला था अलग अलग तरह के सॉलिड लिक्विड और गैस सिस्टम के लिए जो भी सरफेस टेंशन की वैल्यूज होंगी उसकी वजह से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, इसलिए ये वाला एंगल थीटा है। हाँ, तो इसका मतलब ए सेक थीटा हो गया आर, ठीक है ना, या ए बाई कॉस थीटा हो गया। इस छोटे से ट्राइंगल में आर इक्वल टू ए बाई कॉस थीटा गया, तो यहां पे नहीं डाल दिया तो ये 2s cos थीटा बाई आर हो गया डेल्टा भी। ठीक है, ये यहां का प्रेशर पीए था तो यहां का प्रेशर कितना हो गया, पीए -2s cos थीटा बाई ए, और फिर यहां का प्रेशर कितना हो गया, पीए -2s cos थीटा बाई ए प्लस रो जी एच, यहां पे एच ये हाइट है एंड दिस इज इक्वल टू पीए, पीए से पीए कट गया। तो बेटा मैं फोड़ दूंगा फोन, मैं बहुत ये फोड़ चुका हूं ना, हमारे घर में कई फोन फोड़ टूटे पड़े हैं। हाँ भाई, तो गलती हो गई, ये 2s cos थीटा भाई ए हो गया। ठीक है, तो यहां पर पीए -2s cos थीटा बाई ए यहां का प्रेशर हो गया प्लस रो जी एच यहां का प्रेशर हो गया, जो कि वापस पीए के इक्वल लगाना चाहिए था, पीए से पीए कट गया, यानी कि 2s cos थीटा बाई ए इज इक्वल टू रो जी एच हो गया। इसको इक्वल टू रो जी एच लिख लू तो एच की वैल्यू आ गई 2s cos थीटा अपॉन ए रो जी। इसीलिए कह रहे थे पतली फिल्म वो कैपिलरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ए मोटा होगा तो पानी ज्यादा चढ़ेगा नहीं, दिखाई देगा कैपिलरी, लेकिन जब पतला ट्यूब लेते हैं तो दिखाई देगा। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, जैसे मान लो मैं बात करूं तो पानी के लिए 2 × 72 × 10⁻³ अपॉन, पानी के लिए कॉस थीटा करीब करीब 1 होता है। ठीक है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम लोगों को पढ़ाते हैं तो 0 बता देते हैं, वैसे रियल लाइफ में वो 10-12 डिग्री के आसपास होता है, पर करीब करीब 1 होता है। इंटू 1 अपॉन रो जी की वैल्यू 10⁴ हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1.44 × 10⁵ अपॉन ए हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ए 1 मिलीमीटर होगा तो 1.44 सेंटीमीटर का राइज होगा। ठीक है, जबकि अगर ए 0.1 मिलीमीटर हो जाएगा तो 14.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए जितना कम होगा उतना ज्यादा राइज आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट आ गया। अभी हम क्या कह रहे थे, राइज 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 बोल रहे हैं क्योंकि कॉस थीटा पॉजिटिव है, लेकिन अगर मान लो पानी की जगह पर ग्लास में मरकरी होता या प्लास्टिक के किसी कैपिलरी में पानी होता, या मान लो यही ग्लास की कैपिलरी होती लेकिन इसकी जो वॉल होती वो वैक्स लाइंड होती, मतलब बेसिकली सॉलिड और लिक्विड में दोस्ती होने के बजाय दुश्मनी होती, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे यहां पे क्या है, सिलिकेट्स और पानी के बीच में अच्छे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसमें यहां पे वैक्स जैसी चीज ले आते तो भाई ज्यादा खराब कर दू। जब मैं कैपिलरी ऐसे डालता तो यहां का सरफेस ऐसे बनता, तो यहां का प्रेशर पीए है और यहां का पीए है, तो यहां का पी ग्रेटर देन पीए हो जाता क्योंकि इंटरफेस पलट गई। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है, कॉस थीटा नेगेटिव है, तो इंटरफेस पलट गई, तो इसका मतलब यहां पे प्रेशर ज्यादा है अंदर
बाहर प्रेशर कम है, तो जैसे पिछली बार पानी कैपिलरी के अंदर घुस रहा था वैसे ही पानी बाहर चला जाएगा, लेकिन हमारे जीवन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो H का फॉर्मूला है वो H इज इक्वल टू 2S cos थीटा बाई रो जी ए है, तो जब cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो कैपिलरी राइज नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव राइज का मतलब ड्रॉप। तो यानी कि जब मरकरी की पतली, जब ग्लास की पतली सी कैपिलरी मरकरी में डालेंगे तो ये ऐसा फिगर दिखाई देगा, यानी कि कैपिलरी ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे ग्लास मरकरी सिस्टम के लिए थीटा की वैल्यू 140 डिग्री होती है, तो करीब करीब मान लो 135 के आसपास हो गई। ठीक है, तो यहां पे कॉस थीटा की वैल्यू -0.8 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, और वहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट नहीं, बट ठीक है। बंद कर। तो जैसे इन्होंने मैंने पीछे बोला ना कि एक मिलीमीटर होता तो 1.44 सेंटीमीटर का राइज होता। बुक में देखो इन्होंने एक कैलकुलेशन किया जिसमें ए को 0.05 सेंटीमीटर ले लिया, यानी कि हाफ मिलीमीटर ले लिया, तो इनका कैपिलरी राइज जस्ट डबल हो गया। तो मेरा 1.44 था, इनका 2.88 हो जाना चाहिए था। इन्होंने 0.073 ले लिया है और ग्रेविटी को 9.8 ले लिया है, तो थोड़ा इनका 2.98 सेंटीमीटर आ गया, मतलब 3 सेंटीमीटर के आसपास वही आंसर आ गया। ठीक है, और फिर उन्हें कह रहे हैं कि नोटिस दैट इफ द लिक्विड मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स एज फॉर मरकरी, कॉस थीटा इज नेगेटिव, और यहाँ पर कैपिलरी राइज की बजाय कैपिलरी लोवरिंग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब अगला जो टॉपिक है डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन, ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको छोटा सा आइडिया दे दूँ कि ये कपड़ा धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करते ही क्यों। ठीक है, तो साबुन इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? मान लो मैंने मेरा कपड़ा गंदा हो गया, तो गंदगी में दो तरह की चीज़ें होंगी, कुछ होंगी हाइड्रोफिलिक, कुछ होंगी हाइड्रोफोबिक। तो एक तो चीज़ है कि मैं क्रिकेट खेला था, पसीना आ गया था, मेरे कपड़े में सॉल्ट आ गए, कोई पसीना सूख गया, सॉल्ट डिपॉजिट हो गया, तो इसके लिए साबुन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब पानी से धुलोगे तो सॉल्ट अपने आप पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे, ये समस्या नहीं है। लेकिन अगर मान लो कोई हाइड्रोफोबिक चीज़ आ गई, जैसे इन्होंने डर्ट शब्द इस्तेमाल कर लिया, पर डर्ट की बजाय हम एक ऑयल की ड्रॉप जैसी चीज़ ले लें, तो इन्होंने ग्रीसी डर्ट यूज़ किया ना, ग्रीसी का मतलब है बेसिकली कोई हाइड्रोफोबिक चीज़ आ गई। तो ये कह रहे हैं मान लो ये पानी की सरफेस पर, कपड़े की सरफेस पे ये कोई डर्ट जैसी चीज़ जमा है, ये नंबर 2 वाला फिगर जो है। तो कहते हैं अगर सामान्य रूप से इसके ऊपर पानी डालते, ठीक है, तो पानी ऊपर आ जाता, डर्ट नीचे बैठी रहती, और चूंकि ये हाइड्रोफोबिक है डर्ट, इसलिए पानी और इस चीज़ के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होता। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल को ऐसे देखता हूँ कि जैसे मान लो हम लोगों का एक ग्रुप 10 लोगों का चला जाए चाइना, ठीक है, और उसको मान लो शंघाई में रोक दें, तो वो लोग किसी से बात ही नहीं कर सकते, है ना, तो बेचारे चुपचाप एक जगह बैठे रहेंगे, किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, जहाँ रहेंगे एक साथ सब लोग रहेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ तक कोई समस्या? अब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल आ गए। सर्फेक्टेंट ऐसे लोग हैं जो हिंदी में हमसे भी बात कर लेते हैं और चाइनीज में चाइना वाले लोगों से भी बात कर लेते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका एक हिस्सा वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक है, दूसरा हिस्सा हाइड्रोफोबिक है, वो डर्ट को अट्रैक्ट करता है। तो हम ऐसे लोगों की संगत करके चाइना घूम सकते हैं, क्योंकि हमको भूख लगी तो हमसे कह देंगे भैया इनसे मांगो खाना, तो वो बता देगा कि चाइनीज में बोल देगा इनको खाना चाहिए, तो हमको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसलेटर का काम करते रहेंगे। तो इसी तरीके से जब ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक एंड वाली चीज़ें आई सरफेस में, तो देखो जो इसके जो इन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं उसमें जो गोले हैं वो हाइड्रोफिलिक एंड है, वो पानी की तरफ होकर के अटेन लग गए, और जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, वो डर्ट में आकर के लग गई। ठीक है, अब सपोज करो मेरा एग्जांपल थोड़ा सा अलग हो गया, मान लो हम लोग 10 लोग गए थे चाइना और हम लोगों के साथ 50-50 ट्रांसलेटर हो जाते, ठीक है, तो अब हमें कोई ज़रूरत नहीं हम लोग आए एक साथ रहें,
ठीक है, क्यों? क्योंकि हर आदमी के साथ पांच ट्रांसलेटर का ग्रुप है, वो अपना अपने साथ पांच ट्रांसलेटर लेके चला जाएगा, कोई चला जाएगा बीजिंग, कोई चला जाएगा, कोई रह जाएगा शंघाई में, कोई गुआंगजू चला जाएगा, ठीक है। तो अब वो जो हम 10 लोगों के साथ समस्या थी कि हम लोग आपस में एक साथ रहें, वो समाप्त हो गई। अब हमारा ग्रुप ब्रेक कर सकता है, बिकॉज अब हम उन पांच ट्रांसलेटर्स की मदद से हमारा जो इंडिविजुअल पार्टिकल है, या मान लो 2 लोगों का ग्रुप हो, ठीक है, जो भी है, वो चाइना में सस्टेन कर सकता है, सब लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, जो डर्ट पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, जिनके चारों तरफ सर्फेक्टेंट लग जाएंगे, ये माइसल्स बन गए, ठीक है, और ये माइसल्स पानी में वो आराम से वैसे ही तैर सकते हैं जैसे कोई सॉल्युबल चीज तैर रहे। ऑब्वियसली इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, बट अदरवाइज वैसे ही तैर सकते हैं। और फिर इनको जब पानी में चले गए, तो जब हम इसको धुलेंगे तो पानी के साथ धुल करके नाली में चले जाएंगे, हमारा कपड़ा साफ हो जाएगा। ये क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप ऑब्लिक डिटर्जेंट है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 10.12 पूछ रहे हैं, वही कैपिलरी पे है। द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज डिप्ड इन 8 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। वॉट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन द ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट द एंड ऑफ द वाटर। शाबाश, इसको बोर्ड करके देखेंगे, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सवाल आया। तो क्या हुआ, ये पानी था, इसमें कैपिलरी थी, ये 8 सेंटीमीटर नीचे थी, ठीक है, और मुझे यहां से एक्सेस प्रेशर देना है ताकि यहां पर हेमिस्फेरिकल बबल बन जाए, ठीक है। तो अगर यहां का प्रेशर पी एटमोसफियर है, तो यहां का पी एटमोसफियर प्लस रो जी एच हो जाएगा, और यहां का प्रेशर कितना हो जाएगा, पी एटमोसफियर प्लस रो जी एच -2f/r, ठीक है, क्योंकि हम लोग कॉन्वेक्स साइड से कॉनकेव साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा पी नॉट प्लस रो जी एच -2s/r, ठीक। अरे भाई गलत बात कर रहे हो, +2s/r यहां पर प्रेशर एक्सेस होगा ना अंदर, ये तो फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं, तो यहां पर कितना जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच +2s/r हो जाएगा। चूंकि ये हेमिस्फेरिकल है, इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कैपिलरी है वही रेडियस ऑफ ऑफ हेमिस्फीयर है, तो जो आर है ये वास्तव में ए हो गया। अब तुमको सारी वैल्यू दे रखी है, 8 सेंटीमीटर के लिए रो जी एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, और सरफेस टेंशन दे रखा है, ए दे रखा है, तो 2s/a की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, यहां से आंसर निकाल, ठीक है। एक और सवाल जो मैं बताना चाहूंगा, वो वैसे तो यहां पर नहीं है, लेकिन क्योंकि पूछा जाता है इसलिए मैं बता दूं, न्यूमेरिकल ही है वो सवाल। कुछ इस तरीके का होता है कि मान लो मेरे पास एक कैपिलरी थी, ठीक है, मान लो कि कैपिलरी थी जिसमें एक्स हाइट तक कैपिलरी राइज हो रखी थी, ठीक है, यानी कि रो जी एच इज इक्वल टू 2s cos θ/a था, और ये मान लो वाटर ग्लास सिस्टम था, इसलिए cos थीटा की वैल्यू 1 थी, मतलब कि थीटा ऑलमोस्ट 0 था, तो cos थीटा की वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब रो जी एच इज इक्वल टू 2s/a हो गया, ठीक है। अब ये पूछते हैं कि मैंने इस कैपिलरी को यहां से तोड़ दिया, ठीक है, तो सवाल होता है क्या होगा। तो बहुत से लोगों को लगता है कि चूंकि वो मान लो एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर थी, तो चूंकि वो 8 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ सकता था, जब 4 सेंटीमीटर पर तोड़ दोगे तो ऐसे से
बहता रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली ये बात गलत है क्योंकि फिर तो परपेचुअल मोशन मशीन जैसी चीज बन जाएगी। वास्तव में क्या होगा, अगर मान लो मैं ऐसी कैपिलरी खुद से डालता तो यहां से पानी भरता, पानी भरता भरते भरते यहां तक आ जाता, ठीक है ना। जब पानी और निकलने की कोशिश करता, मैं डायग्राम को थोड़ा यहां क्लियर बड़ा बना दूं, जब पानी पहली बार यहां पहुंचता तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा जीरो होता, लेकिन पानी को बाहर निकलने के लिए क्या जरूरत है, और पानी चाहिए। तो जब पानी और निकलेगा तो ये सरफेस कम कर्व होगी और अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा डैश हो जाएगा, वो जीरो नहीं रहेगा, कुछ कम हो जाएगा, जहां पर डेल्टा पी इक्वल टू रो जी एच हो जाएगा वहां पर रुक जाएगा। तो पहले क्या था, रो जी एच इक्वल टू टू एस बाई ए था, अब रो जी एच बाई टू इक्वल टू टू एस कॉस थीटा डैश बाई ए हो गया। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें तो कॉस थीटा डैश इक्वल टू हाफ आ गया, यानी कि जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो डिग्री से बढ़ करके 60 डिग्री हो जाएगा तो फिर प्रेशर बैलेंस हो जाएगा और पानी आ गया ना, बंद हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हम छोटी कैपिलरी डालेंगे तो पानी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इस चक्कर में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को बढ़ा लेगा और कोई नया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा जहां पर 2s cos थीटा बाई ए इक्वल टू रो जी, जो भी है नई हाइट है उसके, ठीक है। ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, इसके साथ हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं, बाकी प्रॉब्लम ट्राई करना और उसके बाद डिस्कस करेंगे। हमने सवाल बोला, सॉरी, हमने कहा मैंने कैपिलरी तोड़ दी ताकि हाइट h बाई टू हो जाए, है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट था।